नमस्कार, एलएनबी टीवी के धर्म और अध्यात्म के समाचारों में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको दर्शन लाभ दिलाने जा रहे हैं माँ पीताम्बरा बगलामुखी के। महाभारत कालीन पीठ यह बतलाया जाता है और यह स्थापित है संस्कारधानी जबलपुर में, जहाँ भक्त आते हैं अपनी मनोकामना को लेकर। सनातन धर्म के अनुसार 9 देवियां और 10 महाविद्याएं हैं और बगलामुखी का 8वां क्रम महाविद्याओं में बतलाया गया है। बतलाया जाता है कि स्वयं भगवान ब्रह्मा ने इनकी उपासना की है और शत्रुओं के विनाश के लिए, धन धान्य प्राप्त करने के लिए, यश गौरव प्राप्त करने के लिए इनकी पूजन की जाती है। पूजन में विशेष प्रकार की सावधानी बरती जाती है और वह जब पूजन संपन्न होता है, माँ की आराधना संपन्न होती है, तो माँ की कृपा बरसती है। माँ बगलामुखी पीताम्बरा देवी को पीली वस्तुएं अर्पित की जाती है। सारा श्रृंगार उनका पीठ वर्ण का होता है और माँ अपने भुजाओं में अस्त्र शस्त्रों के साथ ही शत्रु की जीव को लिए हुए और उसकी जीव के ऊपर वार करते हुए विराजमान है। माँ पीताम्बरा की आराधना किस प्रकार की जाना चाहिए, किस प्रकार की सावधानी बरती जाना चाहिए और क्या है इसका महत्व है, इसके संबंध में पुजारी राधे महाराज ने एलएनबी टीवी से चर्चा और दस महाविद्याया। बगलामुखी जो है उनकी किस प्रकार महाविद्या के रूप में साधना होती है और क्या क्रम है? 10 महाविद्याओं में बगलामुखी माँ एक है। अष्टम महाविद्या में माँ भगवती का नाम जाना जाता है, जो कि शत्रु निवारण के लिए माँ भगवती की विशेष पूजन अर्चन की जाती है। माँ भगवती की कृपा पाने हेतु माँ भगवती को पीला श्रृंगार, अगर आपको जप करना है, अनुष्ठान करना है, तप करना है, उस विधान के हिसाब से आप माँ भगवती का पूजन अर्पण कर सकते हैं। ये शास्त्रों में किस प्रकार के विधान दिए गए? शास्त्रों में भगवान ब्रह्मा ने इनकी प्रथम उपासना की है वैदिक रीति से। यानी वैदिक और दैविक जी, दो प्रकार का पूजन होता है जी। तो ये दैविक पूजन, देवी वैदिक, वैदिक और लौकिक। लौकिक हाँ। तो ये लौकिक पूजन है, वैदिक पूजन, वैदिक पूजन हाँ। और शत्रुओं के विनाश के लिए इनका विशेष रूप से पूजन किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लीजिए किसी प्रकार से मनुष्य इनका उस प्रकार पूजन नहीं कर पाता है, तो क्या स्मरण मात्र से या दर्शन मात्र से भी इसका फल प्राप्त होता है? अब शास्त्रों का वर्णन तो ये है कि माँ भगवती बगलामुखी पीताम्बरा का नाम लिख करके और अगर उसकी प्रदक्षिणा कर लिया जाए तो भी कोटि यज्ञ के समान होता है। एक बार नाम लेने से ही अपने शत्रु, जितने भी अटल शत्रु हैं, वो हमसे मित्रता की भावना रखने लगते हैं। अच्छा, ये जो पीठ है जी, ये पीठ कितना प्राचीन है? अब पीठ के विषय में तो कहते हैं कि ये महाभारत कालीन है, लेकिन गुरुजी ने तो अभी अभी निर्वाण की करवाया 1990 में। माँ भगवती का 1996 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में माँ भगवती का आवाहन हुआ, 9 दिवस तक पूजन किया गया, अति सुंदर माँ भगवती कृपा अपने भक्तों पर सदैव बरसाती रहीं। आज भी वही क्रम चल रहा है, वही पद्धति चल रही है। गुरुजी के आदेश, गुरुजी के नियमानुसार आज भी वही पद्धति से पूजन किया जा रहा है। किस प्रकार की सावधानी बरतना चाहिए पूजन के दौरान में? ऐसा बतलाया गया है कि पूजन में छोटी सी भी गलतियां कभी कभी बड़ी समस्याएं पैदा कर देती। अब ऐसा कहने के लिए तो हम सर्वसामर्थ्य नहीं हैं, क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ की पूजन, माँ का अर्चन अपनी भावना के अनुसार करना चाहिए। अब अपने अंदर अगर भावना नहीं है, विचार अच्छे नहीं हैं, आप कितने भी वर्जित करें, आप मान लीजिए पत्नी से दूर रहते हैं, आप सोने की व्यवस्थाएं दूर रखते हैं, लेकिन आपके मन में ही खोट है, आप स्वयं भी एक खोटे व्यक्ति हैं, तो आप किस तरह की पूजन कर सकते हैं? पूजन करने के लिए आपके विचारों की विशेषता है। आप विचार अच्छे रखें, माँ भगवती के प्रति अपनी भावना अच्छी रखें, आपका पूजन संपूर्ण फलित होगा।
जैसे कि बताया गया है कि ज़्यादातर यहाँ पीत चीज़ें हैं, पीली वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाता है। पीले से तात्पर्य क्या है? पीले से तात्पर्य माँ भगवती पीताम्बरा, माँ भगवती पीताम्बरा बगला मुखी जो है उनके लिए पीला ही सब कुछ समर्पित किया जाता है। आप पूजन करेंगे तो पूजन में आसनी जो होगी वो भी आपकी पीली होनी चाहिए, आप धोती भी पहनेंगे पीला होना चाहिए, माला भी हल्दी का होता है, इसलिए पीले वस्त्रों का संपूर्ण सृजन किया गया है। जैसे कि शत्रु विनाश के साथ में सर्व सिद्धि और जो कार्य होते हैं और अपने यश गौरव और धन धान्य के लिए भी इनका पूजन होता है संपूर्ण रूप से। सर्व सिद्धिदात्री है माँ, यानी ये जो लोगों के अंदर धारणा है कि शत्रु विनाश के लिए नहीं सर्व सिद्धि के लिए ही भी इनका प्रयोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के मन में धारणा तो ये भी है कि भगवती की पूजन करना अर्थ सर्प की पूजन करना, ठीक है। जैसे एक सर्प होता है अगर उसके पूछ पे पैर लग जाए तो वो काट देता है, लोगों की धारणा तो यहाँ तक भी है कि बगला मुखी की साधना ना करें, लेकिन बगला मुखी की साधना किसी को मारने के प्रयोग के लिए नहीं बनाई गई। माँ भगवती की साधना जो है वो अपने लिए किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, संपूर्ण संसार के लिए, संपूर्ण संसार का अच्छा हो, सुखमय हो, सारा संसार सुखी रहे, सभी लोग निरोग रहे, इसलिए माँ भगवती की पूजन अर्चन की जाती है, ना कि शत्रुओं के लिए। शत्रुओं को मारने के विषय विशेष से तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य जब जीवन दे नहीं सकता तो किसी की मृत्यु के उपयोग के लायक भी नहीं। जो जन्म दे सकता है उसको मृत्यु लेने का अधिकार होता है, हमारा और आपका कोई भी अधिकार नहीं। ये जो प्रयोग होता है इसमें शत्रु की बुद्धि इस प्रकार हो जाए कि वो आपसे मित्रवत व्यवहार करने लगे। हाँ, संपूर्ण 100% माँ भगवती की अगर आप प्रार्थना करेंगे, माँ भगवती की प्रार्थना करेंगे, आप पूजन करेंगे, अर्चना करेंगे, माँ भगवती का माला मंत्र जप करेंगे, भगवती का जो गुप्त मंत्र है उसका आप जप करेंगे, तो संपूर्ण रूप से जो आपके शत्रु हैं आपके साथ में मित्रवत व्यवहार करने लगेंगे। कहा तो यहाँ तक गया है कि अगर आपका शत्रु आपके सामने या बंदूक लेकर के भी खड़ा हो, अगर आप माँ भगवती का नाम स्मरण करने लगे तो उसकी जो बंदूक की गोली भी है वो दूसरी जगह पे चल जाएगी, आपके ऊपर नहीं चल सकती। माँ पीताम्बरा बगला मुखी पीठ की स्थापना युधिष्ठिर जी महाराज ने की और आपको हम बतला दें कि बगला का क्या वर्णन है। बकारे वारुणी देवी गकारे सिद्धि स्मृता लकारे पृथ्वी चैतन्य स्वा स्वरूपता। पीताम्बरा पीठ में लगातार अखंड ज्योति प्रज्वलित होती रहती है और आप दर्शन कर रहे हैं उसी ज्योति का। LNV TV अपने धर्म और अध्यात्म के समाचारों में आपको विभिन्न मठों का, सिद्ध तीर्थ क्षेत्रों का और पीठों का दर्शन कराता रहता है और माँ बगलामुखी आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। समाचारों के लिए देखते रहिए LNV TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।